हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आना। क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एग्जांपल 1 हम आज करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंदी है, तो जितना जितना मुझे रिक्वायरमेंट होगी उतना उतना मैं रीड करूँगी। उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आइए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि हमें निकालना है रेशियो, निकालना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स का नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। तो मुझे रेशियो निकालना है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी पता होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि स्कूल में क्लास 7 के लिए जो है एक पिकनिक प्लान किया गया है, तो जो गर्ल्स है वो 60% है, टोटल स्टूडेंट का 60% है और नंबर में 18 है। अब हमारे पास क्या है, गर्ल्स तो पता है हमें, बॉयज़ निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मानेंगे हम एक्स। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं इन क्लास 7, वो मैं मान लेती हूँ x। ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपकी, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर में तो 18 है और आप परसेंट निकालोगे, परसेंट में देखोगे तो 60 है टोटल का, यानी कि 60% है ये x का और नंबर में कितनी है 18। परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा x 100 और मल्टीप्लाई में आएगा x, 0 से 0 कटा, x की हमें वैल्यू निकालनी है तो 10 इधर और 6 नीचे, 6 थ्री जो 18, 6 टेन जो 30। तो भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 30, अगर टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं तो हम आराम से नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल सकते हैं। तो आपके नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आएंगे, टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट हैं आपके 30, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी 18, तो बॉयज़ आए 12। अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और रेशियो निकालेंगे। तो जो आपका रेशियो है वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स 18, नंबर ऑफ बॉयज़ 12, 6 थ्री 18, 6 टू 12, रेशियो आया 3:2, यानी कि रेशियो आया 3:2। नेक्स्ट पार्ट कहता है द कॉस्ट ऑफ पर हेड बताओ कितनी आएगी, बच्चों के साथ साथ टीचर भी जा रहे हैं। तो हम कॉस्ट ऑफ पर हेड निकालने के लिए देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है, उसको हम कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर को, तो कॉस्ट पर हेड आ जाएगी। तो देखते हैं कितने लोग जा रहे हैं और कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं लोगों की बात करूँ तो मेरे साथ जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन निकालते हैं पहले हम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, कितने लोग जा रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ पर्सन है वो है नंबर ऑफ टीचर्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे आपके, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स है 2, स्टूडेंट है 30, तो आपके 32% जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है आपकी, देखते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, देखो हम देखते हैं कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। जो हमारा दूर है वो 55 किलोमीटर दूर है डेस्टिनेशन, तो 55 किलोमीटर वो जाएगा और 55 किलोमीटर वो आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट पर किलोमीटर में भी 12 है, पीछे अभी मैं चेक कर लूँगी, और टोटल डिस्टेंस होगी 55 जाने की और 55 आने की। ऐसा तो है नहीं जाओगे ही जाओगे, जाओगे तो आओगे भी। 12 × 110 यानी कि 12 1 3 2 0, ये तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई। वहाँ पे रिफ्रेशमेंट चार्ज भी है, जो रिफ्रेशमेंट है आपका, रिफ्रेशमेंट देखते हैं कितना है, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट है आपकी 4280। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है सॉरी वो है आपका ₹1320 प्लस ₹4280, तो आपका है 0 8 to 10 और 8 to 10 और 6 और आपका 5, ये आपका जो है कॉस्ट है, ठीक है, एक्सपेंडिचर की। तो कॉस्ट पर हेड हमें निकालनी है कितनी आएगी, ठीक है, तो कॉस्ट पर हेड निकालने के लिए सेकंड पार्ट हो जाएगा। कॉस्ट पर हेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्संस, ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर है आपका 5600 और टोटल पर्सन है आपके 32, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 4 1 जा 4 3 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी कि जो कॉस्ट पर हेड आती है आपकी ₹1750 आती है। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि वो 22 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर कर चुके हैं, ठीक है, 22 किलोमीटर 55 में से वो 22 किलोमीटर जा चुके हैं, तो वो कितने डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है वो टोटल का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, जितनी डिस्टेंस वो कवर कर चुके, कितने डिस्टेंस कवर कर चुके, 22 किलोमीटर, टोटल नीचे लिखेंगे 55 किलोमीटर इनटू परसेंटेज निकाल रहे हैं 100, 11 2 जा 11 5 जा 5 2 जा 10, यानी कि वो 40% डिस्टेंस कवर कर चुके हैं ना, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट,
कितने जो डिस्टेंस लेफ्ट रह गई है उसके परसेंटेज निकालेंगे, तो 100 में से 40% को आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि आपको कितनी डिस्टेंस और ट्रेवल करना बाकी है, 60%। इजी क्वेश्चन था, होप समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।